यारो आज से 1441 साल पहले एनाटॉमी साइंस यानी शरीर रचना विज्ञान मौजूद नहीं था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने हमें कुरान में एक छोटी सी मधुमक्खी के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो आज के एनाटॉमी साइंस के जरिए हमें पता लगी है। यारो पहले मैं आपको बता दूं, मधुमक्खी को अरबिक लैंग्वेज में नहल कहते हैं और कुरान मजीद में अन्नहल यानी द बीज के नाम से एक सूरह मौजूद है। अल्लाह इस सूरह की आयत नंबर 68-69 में फरमाता है, ऐ रसूल, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खियों के दिल में ये बात डाली कि तू पहाड़ों में घर यानी छत्ते बना और पेड़ों और लोगों की बनाई छतों में, फिर हर तरह के फलों के फूल से उनका रस चूस कर फिर अपने रब की राहों में चली आ। मधुमक्खियों के पेटों से पीने की एक चीज निकलती है यानी शहद। अब आप यहाँ पर गौर करें कि अल्लाह ने मधुमक्खियों के पेट को पेटों कहा यानी स्टोमेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मधुमक्खी के कितने पेट होते हैं, और यही बात आज हमें एनाटॉमी साइंस के जरिए पता चली कि एक मधुमक्खी के 3 पेट होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें इस बात का हिंट 1400 साल पहले ही दे चुका है।